मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 11 और 12 में लेखा शास्त्र, बी कॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट और मैथ्स दोनों। यहाँ पर आपको अब आपके एग्ज़ाम करीब है, मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको सभी विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। वह चैप्टर बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है और वह चैप्टर भी बताऊँगा जो अनइम्पॉर्टेंट है, जिसको छोड़ना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, किनको छोड़ना है, सब को डिटेल से जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला चैप्टर है लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, यहाँ पर कुल 38 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक पेज में थोड़ा डिस्कस कर लें कि जो आपका यूनिट वन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा पार्टनरशिप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। इससे 38 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टोटल। यहाँ पर एक से लेकर के 6 चैप्टर सम्मिलित है जिसमें 38 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये 38 नंबर डिवाइड है, कैसे डिवाइड है उसको भी जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का होने वाला है, 4 नंबर का होने वाला है, उसके बाद आपका 3 नंबर का होगा, फिर 1 नंबर का होगा। तो ये तो इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है, 8 नंबर के एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के लगभग तीन या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, 4 नंबर के भी चार या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, 3-3 नंबर के चार लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ पर आपको 8 नंबर के एक क्वेश्चन की तैयारी करना है, 6 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करना है, 4 नंबर के दो क्वेश्चन की तैयारी करना है, 3-3 नंबर के 2-3 क्वेश्चन हैं और 1-1 नंबर के 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इतना आपको तैयारी करना है, बाकी इसका ब्लूप्रिंट नए परीक्षा बोर्ड में आपको दे दिया गया होगा, वहाँ पर आप डिटेल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने ये समझ लिया तो यहाँ पर आपको और ये जानना है कि प्रैक्टिकल कितना आएगा, थ्योरी कितना आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो अभी ब्लूप्रिंट है वो पुराना है, अभी नया मिलते ही जब मैं आपके आईएमपी क्वेश्चन सेट ए, सेट बी, सेट सी करके तीन बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि इन किन क्वेश्चनों को पढ़ना है, कौन से 3 नंबर के लायक होते हैं, कौन से 4 नंबर के लायक होते हैं, ताकि आप सीरीज से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए 8 नंबर के आपके एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन आएंगे तो 8 × 2 = 16 होगा, ठीक है। 6 नंबर के चार क्वेश्चन आते हैं तो 6 × 4 = 24 होगा। 4 नंबर के मान लेते हैं चार या छः क्वेश्चन आते हैं, छः क्वेश्चन आते हैं तो ये 6 × 24 हो रहे हैं, तो इतने में ही आपका कितना हो गया, 20, 20, 40, 48 है ना, ये लगभग इसको जोड़ दें तो 30 और ये 40 और ये 64 नंबर के लगभग हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है आपके इतने ही क्वेश्चनों में, तो आपको डिटेल से पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन 8 नंबर वाले हैं, तो पहले आप 8-8 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे एग्ज़ाम से पहले। जैसे मान लेते हैं आपके अकाउंट के एग्ज़ाम में 3 दिन का समय है, तो तैयारी कैसे होती है, कोई भी कहीं से उठा कर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीरीज से तैयारी करनी होती है। पहले 8 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो अभी से मैं आपको बताऊँगा 8 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के समय में उतने उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फिर जब बताऊँगा 6 नंबर के कितने हैं, तो फिर उन उन क्वेश्चनों की तैयारी करना है, फिर 4 नंबर का करना है। तो ऐसे सीरीज से तैयारी करेंगे ना, तो आपके पढ़ने में एक समय बंधा रहेगा। आपको पता है आपको ये स्टेप बाय स्टेप इन सीढ़ियों से गुजरना है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता रहता और उनके सामने 10 दरवाजे हैं और उनको बीच में छोड़ दो, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते। उनका समय अभी तो एक दिन बचा है, अभी तो एक दिन बचा बोल के पूरा चला जाता है और फिर तैयारी कुछ नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर आपको मैं समझाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल से पढ़ाऊँगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ही बताऊँगा। तो ऑब्जेक्टिव चूँकि साझेदारी के इस यूनिट से आना है, इस पूरे चैप्टरों से, तो यहाँ पर आपको सभी खालिस्तान ऑब्जेक्टिव जो दिखते हैं उनको आपको पढ़ के रखना है प्रॉपर, थोड़ा थोड़ा करके डेली 10-10 पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। ये मत देखा करो ये 30-40 बहुत सारे हैं, देखने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, तो करने से सब सरल हो जाता है, ठीक है। पहाड़ चढ़ने पर ही छोटा होगा, दूर से देखेंगे तो बड़ा ही दिखेगा, ठीक है। दूर से छोटा दिखता है, पास से बड़ा दिखता है। चलो डायलॉग को गोली मारो। चलो अब मैं बताता हूँ क्रियात्मक प्रश्न में, एक से लेकर के यहाँ पर आपके लगभग 11 तक, एक से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के। अब कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मैं बता दूं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक से लेकर के 4 में, वहाँ पर मैं कहूँगा
तीसरा और चौथा इनमें से चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, डिटेल से व्यक्तियों का अनुपात वगैरह, पूंजी वगैरह बताया है, पूंजी पर ब्याज है, कमीशन दिया जाना है, शुद्ध लाभ बताया है, ऐसे क्वेश्चन में आरण पर ब्याज की दर भी दे सकती है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इधर भी कुछ क्वेश्चन है, तो वहाँ से वो दो क्वेश्चन की तैयारी कर ही लेना। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। तो यहाँ से मुझे लगता है अब इधर से कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, यहाँ पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। होता क्या है, इधर के क्वेश्चनों में आप साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन सब लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी दी जाती है, पर ये बिना समझौते के साझेदार होते हैं जिनमें वो सब नहीं लिखना। जिस साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी दी है उनके पूंजी पर उनको ब्याज देना होता है। आपने बनाया है तो आपको पता होगा, नहीं बनाया है चैनल के अंदर विजिट करें, क्लास 12 के अकाउंट में जाइए, वहाँ पर आपको ये टॉपिक ढूंढना है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने लाइन्स एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप बस इतना लिखिए क्लास 12 अकाउंट चैप्टर 1 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 7 जो है लिखो, मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखना समझना, और इसमें से मैं कहूँगा ये 8 से लेकर के 10 तक के हैं ना, ये तीनों आपको बनना चाहिए। अगर ये तीनों आप अच्छे से बना लेते हैं तो ज़बरदस्त आपके 4 नंबर की तैयारी हो गई समझो, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ 8 नंबर के लायक कौन से क्वेश्चन हैं। 8 नंबर के लायक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 में दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला है स्थिर पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, और जहाँ पर लाभ हानि खाता बन जाए, साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता बन जाए तो फिर चालू पूंजी खाता बनाना होता है, फिर परिवर्तनशील भी बोल दिया है। जहाँ पर तीन तीन चार चार खाते, कम से कम तीन और अधिक से अधिक चार खाते अगर बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं, 8 नंबर के। तो जहाँ 8 नंबर के क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनको अभी से टिक लगा के रखो, ताकि अभी से और एग्जाम के समय में आप सीरियस से तैयारी कर सको। तो जो पहले 8 नंबर के बोल रहा था उसमें पहला दावेदार है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और उसी तरह से त्रिपाठी चौहान के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पर ये इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लाभ है वो वर्ष के दौरान का लाभ है, और वर्ष के दौरान का लाभ हो तो वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज सब कुछ नहीं निकालते, आपको पता होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन भरे होते हैं उनका तो प्रैक्टिस करके रखना छोड़ना मत, ठीक है। एकदम ही सिंपल तो नहीं देगा, थोड़ा सा तो घुमावदार देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे IMP है, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो अपने बच्चों को इन क्वेश्चनों को टिक लगवा करके रखता हूँ, ताकि वो पूरे इस चैप्टर में बाकी को बनाए चाहे ना बनाए, पर इतने क्वेश्चन को जरूर बनाए, ठीक है। तो समझ लो बड़े नंबर यहाँ यहाँ से 6 और 8 दोनों ही नंबर के इधर के क्वेश्चन हैं। तो 12 से लेकर के 16 तक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक। अब उसके बाद जो टॉपिक चालू होता है, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज है ना, और लाभ की गारंटी, आहरण की राशि में समय अवधि का होना नहीं होना, भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का वितरण, लाभ की गारंटी, ये सब टॉपिक क्या हैं, ये सिर्फ 3 नंबर के लायक हैं। यहाँ पर 4 नंबर के अगर थोड़ा सा बड़ा है तो ही 4 नंबर का होगा, लेकिन इनको नहीं पूछेगा क्योंकि अभी इसके बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। यहाँ से बस वही जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था 2 क्वेश्चन, बाद में बता दिया था साझेदारी के अभाव में, और फिर जो मैंने 12 से 16 तक बताया है वो ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 8 क्वेश्चन मुश्किल से प्रैक्टिस करने हैं, 8 क्वेश्चन को ही बनाओ। बाकी ये मेथड आपको एक एक ठो पता होना चाहिए कि लाभ की गारंटी कैसे बनती है, विभिन्न चरणों के लाभ का वितरण, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे होती है, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ ही दो। अगर 2-3 नंबर में 3 सेट बनना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके ख्याति से आते हैं, लेकिन मान लेते हैं ए बी सी 3 सेट तैयार होना है, ए में भी ख्याति दे दिया, बी में भी ख्याति दे दिया, लेकिन सी में नहीं दिया, सी में इसी में से किसी एक टॉपिक को दे दिया, और आप जिस बेंच में बैठे वहाँ पर आपको सी सेट मिला, तब आप कैसे करोगे। इसलिए यहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रैक्टिस करना है। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 2 की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 की भी इंपॉर्टेंट है, पर अभी हम थ्योरी में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस बताता हूँ कि यहाँ पर ख्याति की प्रकृति, ख्याति के प्रकार, विशेषता और ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व तो पढ़ के रख लेना, क्योंकि बड़े जो 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्रियात्मक प्रश्न है
वो है भारित औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि, ख्याति ख्याति निकाली की अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि, गुप्त ख्याति। इतने सारे जो विधि हैं उसमें से हर एक विधि के एक एक क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम के दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारित औसत के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में भी दिए जा सकते हैं, 3 नंबर में भी, क्योंकि थोड़ा इसमें कार्यविधि भी होता है और ये थोड़ा बड़ा रूप में बनता है, ठीक है। तो मैं तो बोला हूँ 3 नंबर का, लेकिन प्रैक्टिस करके रखना है। तो भारित औसत का एक उदाहरण भी देख सकते हैं और एक क्रियात्मक प्रश्न भी देख सकते हैं। ये अधिलाभ विधि है। यहाँ पर मैं किसी एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है क्रियात्मक प्रश्नों में तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो भारित औसत का ये 7वां टिक लगा के रख लेना, है ना, मतलब बना के देखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कन्फ्यूजन वाला, वो होता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें असामान्य लाभ, असामान्य हानि जो जुड़ा रहता है, इनको एमपी टिक लगा लो। तो 6वां 7वां इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। अब इधर मैं देखता हूँ, इधर में आप 17 को टिक लगा लो। 17 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं, ज़्यादा पेज ना भरे बोल के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो बनता थोड़ा लॉन्ग है। तो जैसे कि पूंजीकरण विधि बोला है, औसत लाभ और अधिलाभ दोनों विधि पूछ रहा है और बस 4 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब ये 2 बार बने गए, पूरा औसत लाभ विधि द्वारा, एक अधिलाभ विधि द्वारा, तो थोड़ा बड़ा होता है। तो 3 क्या, ये 4 नंबर के भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, टिक लगा लेना, ठीक है। और वैसे एक गुप्त ख्याति का पढ़ लेना आप, वार्षिकी विधि का एक पढ़ लेना। बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो, बस इधर आके कुछ नहीं, खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर में। अगला आपका चैप्टर 3, जिसमें से ख्याति का संयोजन के क्वेश्चन आते हैं। तो ख्याति के संयोजन का आप देख सकते हैं 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन हैं। इसमें से कोई दो तो आपको बनाना आना ही चाहिए, जिसमें पंजी पृष्ठ भी पूछी जाती है। तो जैसे कि आवश्यक पंजी पृष्ठ दीजिए बोल के क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों आप बना के रखिएगा। और अवितरित संचय और लाभ का बंटवारा, ये भी 3 नंबर में आते हैं, चूँकि 3 सेट बनना है तो तीनों चैप्टर में से एक हिट होकर के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर 9वां आप बना करके देख लीजिएगा। और उसके बाद इधर पुनर्मूल्यांकन शुरू हो जाता है। पुनर्मूल्यांकन के तो ढेरों क्वेश्चन अभी हमें आगे देखना है, पर इस चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन उड़ जाते हैं क्योंकि बड़े सरलतम रूप में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट दृष्टि से आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो बनाना आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन का। और सिर्फ पुनर्मूल्यांकन बोले तो समझिए 4 नंबर के क्वेश्चन है, एक दो खाता और बोले तो फिर 6 नंबर का हो सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है नए साझेदार का प्रवेश, यहाँ पर बहुत सारी अनुपात के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो बहुत सारी कंडीशन होती है, तो 5 कंडीशन है इनमें। तो सारे कंडीशन आपको एक एक करके बनाना आना चाहिए, हेडिंग उतारो और उनके हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो ये बनाना आना चाहिए, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, तरीका सीखो कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा है ये चैप्टर, इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा प्रैक्टिकल और उसको मिला करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये उदाहरण नंबर 41 है, इनको बड़े क्वेश्चन ग्रुप में टिक लगाना। इसमें एक पंजी प्रविष्टि भी है, इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता भी है, पूंजी खाता भी है, चालू खाता भी है, चिट्ठा भी है ना। ये 8 नंबर के भी लायक है, लेकिन चांसेस ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि बहुत चीज़ है। लेकिन हाँ, कई बार एक क्वेश्चन तो बहुत टफ दिया जाता है जिसमें आपका समय बर्बाद हो और आपको सोचना भी ज़्यादा पड़े, वो ये है। तो इनका प्रैक्टिस कर लेना, है ना, अंतिम में, कि अगर कुछ टफ आ सकते हैं तो वो क्या है, तो टफ यही है, ठीक है। बाकी उतना टफ तो मैं किसी को नहीं कहूँगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमें इसके क्रियात्मक प्रश्न में, क्रियात्मक प्रश्न में इसका 5वां आपको बना के रखना है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और आगे यहाँ पर आपको, हाँ, ये 10वां आपको बना करके रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 13वां वाला जो पैसे में दिया हुआ है अनुपातिक को, जो व्यक्ति आ रहा है उसको, है ना, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर 17,
सिंह गुप्ता और खान वाला जो बोला गया है, और ये 24, ठीक है याद रखिएगा, ये छोटे हैं, 3 नंबर के लायक के क्वेश्चन है, ठीक है। जब नए साझेदार आता है तो वो रोकड़ और ख्याति लाता है, उसकी प्रविष्टि होती है वो, भाई आप इसका उदाहरण में देख लेना, और इधर से ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से बना करके देख लेना, ठीक है। अब इसमें से बड़े क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये कौन से नंबर का है, हाँ ये 46 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है 46 नंबर का, जिसमें अरविंद और अविनाश है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये 49 नंबर का भी काफ़ी बेहतरीन है, सटीक रूप में दिया गया है, और एग्ज़ाम ऐसे ही पूछता है पुनर्मूल्यांकन से क्वेश्चन, ज़्यादातर टफ भी नहीं पूछता, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और ये ख़त्म है। इसके बाद है अवकाश गण और मृत्यु, अवकाश गण मृत्यु, इस चैप्टर के थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रियात्मक प्रश्न भी, जैसे कि अवकाश गण क्यों होते हैं कारण बताइए, ये पूछा जाता है, तो एक पूरे थ्योरी को 6 पॉइंट में पढ़ के रखना, ठीक है। इस पर भी अनुपातिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके पूरे क्वेश्चन को बनाते हुए आना। चैप्टर 6 में वही पुनर्मूल्यांकन ही है जो आप 4 में देखेंगे, तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। बस हम अभी अभी हम अपने मेन चैप्टर में आते हैं, साझेदार फर्मों का विघटन वसूली खाता। देखिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जो उच्चंद खाता बनता है साझेदार का, ऋण पत्नी का, जैसे जो ऋण मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी होता है उसका खाता बनता है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना, वहाँ पर वैसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वसूली खाता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं, यहाँ से पूछे ही जाएंगे, अथवा में या तो एक अध्याय से आएगा या तो आपका चौथा या पांचवा अध्याय से आएगा, लेकिन इसको कंफर्म दिया जाता है, इसलिए इनके उदाहरण क्रियात्मक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट क्रियात्मक प्रश्न ही बताता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, इन सभी को मैंने लाइन से बताया भी है अलग अलग करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 21, इनको एमपी टिक लगा लो और इनका प्रैक्टिस करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 और ये 32 है शायद, नहीं 16, एक मिनट, 31 नहीं 17 है यार, 31 नहीं 17 और ये 16, ठीक है ठीक, और ये लास्ट 14। इतने क्वेश्चन का इसमें से प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी खाते बोले जाते हैं उतना आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे के जो हमारे चैप्टर है कंपनी ऋण पत्र, उसमें आपको पता है दोनों ही चैप्टर सेम है, बैंक विकलन आवेदन से, आवेदन विकलन बैंक से, मतलब पूंजी खाता से, वही ऋण पत्र में प्रविष्टि होती है, तो वहाँ पर दोनों प्रकार के आपको सिंपल क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं पूछता, बाकी डिटेल से जब मैं अभी पढ़ाते जाऊँगा तो उसमें बताते जाऊँगा, ठीक है। तो पूरे पार्टनरशिप के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इतना तैयारी कर लो, बाकी मैं अभी 3 सेट तैयार कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा, मतलब वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा जैसे आपके फाइनल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इसी तरह से आपके सारे विषय के IIMP क्वेश्चन में बताने वाला हूँ मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो जाए और सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो पाए इस साल के एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।